अरे अभिषेक पुराण में बताया था, बताया ही है कि जितने व्यक्ति जो कलयुग में चतुरास्ते कलो भाग्यात उत्कल पुरुषोत्तमा, मतलब है कि कलयुग में ये बड़े बड़े आचार्य लोग कहाँ जन्म लें, पहले ही बता दिया कि उड़ीसा में जन्म लें, इसलिए प्रभुपाद भी उड़ीसा में जन्म लिया, रामानुज मध्व विष्णु स्वामी निपार ये चार ही वैष्णव आचार्य है, यदि ये सब कैसे उड़ीसा में ही जन्म हुए हैं। इसलिए हमने इसमें वामन गोस्वामी महाराज से पूछा, बोले ये कह रहे हैं सब आचार्य उड़ीसा में होंगे, लेकिन ये चार आचार्य उड़ीसा में कहाँ हुए, ये इतना जानकर दखने में हुए सब कैसे। तब तो महाराज ने कहा कि जी उड़ीसा है ना, जैसे राय रामानंद वो गवर्नर थे कहाँ पर, उसने जाकर जाकर राय रामानंद समाज जाकर नाम क्या है कपूर में, कहते ये जो पहले जो उड़ीसा बहुत बड़ा विस्तृत रूप में ये उड़ीसा था है, उड़ीसा था, इसलिए उत्कल एक राजा थे उनकी हिसाब से इनका नाम उड़ीसा का नाम हो गया उत्कल देश हुआ है, इसलिए ये उड़ीसा में प्रभुपाद भी उड़ीसा में हुए, प्रभुपाद के बड़े बड़े शिष्य लोग भी हमारे श्री भक्ति जीवन रत्नानंद गोस्वामी महाराज भक्ति गोस्वामी महाराज प्रभुपाद और एक नित्यानंद प्रभु हुए वैखंड गोस्वामी महाराज, ये सब के सब उड़ीसा में हुए, और जो बच्चे लोग जो उड़ीसा से इसलिए जब उड़ीसा में ये सब के सब ये उड़ीसा में उसके उत्कल पुरुषोत्तमा बड़े बड़े साधु उड़ीसा में जन्म ग्रहण करेगा, वहीं से ही ये वैष्णव धर्म वहीं से ही प्रचार होगा, और ये महाप्रभु भी उड़ीसा में जन्म हुए और जो गाँव में जन्म हुआ था गदाई गिरी गदाई मतलब क्या गदाता है श्री राधा रानी गिरि मतलब पर्वत मतलब कहते एक तरह से बरसाना जैसे राधा रानी जन्म स्थान है इनका जन्म स्थान भी ऐसे है। हम सबने श्रवण किया था ठाकुर जी स्वयं स्वप्न दे करके उनके घर में आते हैं, हमको लेकर के उनके घर में जाकर लेकर के आओ, उन्हें से कोई स्वप्न होगा, स्वप्न थोड़ी सच होता है, फिर ठाकुर जी बोले बोले तुमको स्वप्न दिया तुमने सुने हमको लेकर के उनको घर में दे करके आओ, पर ठाकुर जी इनकी घर वही स्वप्न देख करके इनको घर में आ गए, मतलब ये महापुरुष बहुत बड़े महापुरुष थे, और आप लोगों ने श्रवण किया इन्होंने साधन भजन उन्होंने कैसे किया और कितने आसानी बाद में एकदम जवानी उम्र में पत्नी अभी जवानी है, जैसे महाप्रभु 26 साल उम्र में संन्यास ग्रहण कर रहे हैं, महाप्रभु अपना विष्णु त्याग छोड़ चुके ये महापुरुष भी जवानी अवस्था में अपना पत्नी को त्याग देकर अब छोटे बच्चे को नन्हे मुन्ने बच्चे को त्याग देते से जाकर भगवान की भजन करें, ये कोई आसानी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ऐसा आकर भगवान की भजन करें और ऐसे साधन भजन किया और इनकी खास को देख करके अक्सर करके इसको ने ये लोग एकदम जो वैदिक भक्ति है इसको बहुत कठोर रूप में शासन करती है पालन करते हैं, जो ब्रज की जो रस कथा है ना प्राय करके बोलते नहीं है, लेकिन इनकी स्वाभाविक रूप में इनकी जो रुचि है कभी उनकी कथा सुनना अगर बात यूट्यूब खोल करके देखना गौर को तुम्हारा से कथा अब सुनना चैतन्य चरिता तो महाप्रभु के जो विप्रल प्रभाव है, जैसे राधारण के भाव में महाप्रभु जो विभावित है क्या अद्भुत रूप में ये वर्णना करती है अद्भुत रूप में, इसलिए इनके भाव को देख करके हमारे महाराज भी पहले और एक चीज को तो देखते कितना खुश हो गए कि जगन्नाथ जी है ना जगन्नाथ जी हैं कि जगन्नाथ जी इनके ऊपर में जब हमारे गौर कविंद महाराज ने बहुत किसी पुरानी हमारी उड़ीसा का किसी बहुत पुराने ग्रंथ से उन्होंने जो ताल पत्र को लिखा हुआ कथा को उन्होंने निकाली है अद्भुत है जगन्नाथ जी ऐसे रूप कैसे हुए क्यों ये रूप जगन्नाथ जी हाथ नहीं आँख नहीं इतने बड़े बड़े इनकी चेहरा क्यों है हैं जिसमें यदि राधा जी की भाव में जिस समय राधा रानी हैं जिस समय कृष्ण गंभीर ब्रज भाव में विभावित होकर के राधा रानी के प्रेम में विभावित होकर के एक दिन कृष्ण बेहोश हो गए, जब बेहोश हो गए जब बेहोश हो जाने पर अभी कृष्ण होश कैसा है अभी कृष्ण एकदम बेहोश हो गए पड़े हुए, अरे इधर में राधा रानी यार इतने में राधा रानी कह रही है क्या बोल रहे हैं राधा रानी अपना सखियों को बोले देखो सखियों मैं तो आज ही प्राण त्याग करता हूँ, तो कृष्णा बोल कर गए थे क्या बोल कर गए थे
मैं परसों आऊंगा, लेकिन परसों बोल के परसों पूछ लिया, अभी तक तो श्याम सुंदर आए नहीं, मैं कितने चिंता जा रहा हूँ, आज मैं प्राण त्याग कर रहा हूँ। कह रहे देखो ललिते, जब ये प्राण त्याग करोगे ना, एक काम करना, मेरी जो शरीर पांच चीज में शरीर बनता है, तिथि आप देह वर्त बल, इसमें जो पानी है ना, कृष्ण जिस जमुना में जल विहार बस सरोवर में जल विहार करते हैं, उसी में मेरे शरीर का पानी उसमें छोड़ देना। कृष्ण जब उसमें जल विहार करेंगे, कृष्ण को स्पर्श करके मेरे जीवन में होने पड़ेगा। जिस जो बेटी कृष्ण जहाँ खेलते हैं वहीं पर जाकर के बेटी को वहीं पर रख देना, कम से कम कृष्ण का चरण स्पर्श होने पड़ेगा। जो हवा है शरीर में, यदि कृष्ण के जब सखा लोग उनको पंखा झुलाते हैं, वहाँ पर जाकर छोड़ देना, कम से कम कृष्ण को मैं पंखा झुलाऊँ। और जो पानी है जो पानी खेती आप आकाश है, जो आकाश तेज तेज मतलब होता है, या जो अग्नि कृष्ण जी शीशा में अपना चेहरा को देखते हैं, उसमें देख देना कृष्ण कम से कम उसमें अपना चेहरा को देखे। उन्होंने बोले मेरे शरीर को, और लास्ट में तमाल वृद्धिया में मेरे शरीर को लड़का कर रखी, क्योंकि तमाल वृद्धिया कृष्ण का स्वरूप है। कैसे बोल करके राधा रानी, इतने में तो राधा रानी तुम्हें आप शरीर छोड़ना, आज मैं और ये शरीर को मैं रखा नहीं करूँगा। इतने में श्याम सुंदर भी राधा रानी की चिंतन करते करते श्याम सुंदर में बेहोश, और राधा रानी भी करते मैं भी प्राण को त्याग दे दूंगी। इतने में कृष्ण जब बेहोश हो गए थे, इतने में सिर्फ नारद जी आए। नारद जब आए बोले कृष्ण का होश कैसे होता है, नारद जी अपना ब्रज का कीर्तन करो। कृष्ण बोले, नारद बोले कीर्तन करूंगा ना, कृष्ण का होश आएगा फिर कृष्ण ही रहेंगे, वो सीधा वृंदावन चली आएंगे, हैं जो वृंदावन चली आएंगे। बोले ये काम क्या कर, बोले क्या है, बोले कोई व्यक्ति वृंदावन में भेजो, जा करके उसको बोले अरे कृष्ण आ रहे हैं। इसको भेजा जो उद्धव जी बोले, उद्धव बोले मैं नहीं जानता, क्योंकि एक बार मैंने गया वृंदावन में, उनकी विरह दशा में देख करके मैंने कहा जरूर कृष्ण को लेते आऊंगा, लेकिन ये कृष्ण बोलकर थक गया, तो कृष्ण नहीं। बोले देखो दाऊ भैया को भेजा जाए, दाऊ भैया बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों, बोले मैं भी वृंदावन में गया था, और मैंने कैसे देखा राधा रानी बेहोश होकर पड़ी हुई, ब्रजवासी भोजन छोड़ दिए, गैया घास नहीं खाते, बछड़े दूध नहीं पीते हैं, हैं सारी पुसारी ब्रज मैया जो सदा तो बेहोश होकर पड़ी हुई, जिसका शरीर में प्राण मैंने नहीं देखा, कृष्ण भी रह के मैंने कसम खा करके आया कृष्ण को ले करके आऊंगा, लेकिन अगर फिर जाकर के बोलूंगा ना, बोले फिर वही धोखा झूठ बोलने वाला है। बोले क्या करें, इतने में हमारे सुभद्रा देवी राजी होती है, ठीक है मैं जाऊँ, क्योंकि स्त्री है ना, स्त्री देखना स्त्रियों के अंदर में आसानी से घुस जाती है, स्त्री स्त्रियों में आसानी से मिल जाती है, वो भी यहाँ स्त्री, इसलिए मैं तो आसानी से उनके अंदर में जा करके हिल मिल जाऊँगी, हिल मिल करे मैं बोलूँगी कृष्ण आ गए। लेकिन हमारे पहले भारतीय सभ्यता क्या था, कभी भी स्त्रियों को अकेले कहीं घर से बाहर निकले नहीं देते, भैया जाते थे तो पति नहीं को बिना कुछ साथ में जाते थे, बोले भैया अपना बहन को अकेले कैसे भेजते, दाव भैया बोले कैसे, बोले एक काम करो तीन रथ बनाओ, रथ यात्रा किया तीन रथ बनाओ, एक रथ तो बढ़ते तो सबसे आगे जाते बड़े भैया, और बीच में सुभद्रा बहन ही है, बहन को बीच में रखा, देखो बीच में सुभद्रा है, और जो कृष्ण मैं पीछे पीछे मैं चलूंगा, इसलिए तीन रथ बनाओ। तीन रथ जब बनाए नारद जी, बड़े सुंदर कीर्तन किया, कीर्तन सुनकर सुनते कीर्तन में कृष्ण को होश आए, होश आने पर कितने में कृष्ण वृंदावन के लिए भागे, जब भागे कितने में सबके सब बल्ले द्वारा का श्री बोले हमें पता है तो वृंदावन जाओ, कोई चिंता मत कर, हम तीन रथ तैयार किया है, पास तीन रथ में कहाँ आ रहे वृंदावन आ रहे, इतने में राधा रानी तो प्राण त्याग कर रही थी, मतलब और मैं झर्ज धारण नहीं कर सकती, प्राण से त्याग कर रही हूँ। इतने में कृष्ण जो आ गए, ललिता विशाखा बोले राधा रानी शरीर को त्याग मत करो, श्याम सुंदर आ गए, आ गए श्याम सुंदर, बोले हाँ आए गए श्याम सुंदर, अजय श्याम सुंदर आए, राधा रानी की शरीर में जो दिव्य मात चित्र जल प्रजल विजल विजल उनको गोस्वामी दिव्य जो भावना को कीमती चित भाव छुट्टा है तो छुट्टा है तो अद्भुत रूप में दिव्य भावना, इसको देव देख करके जो जगत कृष्ण है ना, राधा रानी की प्रेम को देख देख करके भगवान
मेरे अंदर में भी प्रेम नहीं जो दादा रानी के अंदर, इसलिए तो कलयुग में महाप्रभु इसलिए आए ना। देख देख करके कृष्ण की जगन्नाथ रूप है, ये राधा जी को देख देख नहीं रुके, इनका ऊपर काला दिख रहे हैं वो काले नहीं, राधा रानी की चिंता करते करते उनका शरीर तो भी गोरे है, वो गोरे ही तो उनको तू ही कहा, लेकिन सारा शरीर भी गोरे, सारा शरीर है, इसलिए ऐसे हो गए। आज ताप बलदेव प्रभु भी देख करके ऐसे हो गए, सुभद्रा दोनों की भाव और बीच में देख करके राधा जी की प्रेम में ही सबके सब द्रवित हो है, ये सबके सब द्रवित हो गए। कहते ये सब कथा है ना, ये जो गौरव गोविंद महाराज जी सब कथा को उन्होंने प्रकाशित किया है, हमारे गुरुदेव सुनकर कितने खुश हो महाराज रस कथा बोलते हैं ना, इसलिए जब वो महाराज चले गए इसको कुछ लोग इसको हंसी भी लेकर किया सब वृंदावन की गोपियों के बाप हमारे इसमें है, इसलिए उनको उल्टा पुलटा बोलते थे, इसलिए गुरुदेव चले गौर गोविंद महाराज जब चले गए ना उनके जितने शिष्य थे सब हमारे गुरुजी को पास था, इसलिए अभी भी उनके शिष्यों के साथ हम लोग का बहुत अच्छा संबंध है, उनके साथ में हमारी बहुत संबंध है उनके साथ में, इसलिए बहुत शिष्य श्री महाराज को पास में आए कि श्री गौर गोविंद महाराज थे, इसलिए वह भावना थी। और अंतिम समय में आप लोगों ने सुना, हम पहले सुने ना कहते भगवान को कैसे पहचान थे, बोले चरण से, बोले संतों को कैसे पहचान, बोले मरने से, कहते भगवान को चरण से और संतों को मरने से, भगवान की चरण में चिन्ह है तो जब बच्चे उसी से चिन्ह है और संतों को कैसे मरने से, क्योंकि अगर आना है आसान मरे न बिना दैन जीवनम अनाराधी तो गोविंद चरण पतोषण, मतलब है आसानी से जीवन में बड़ी सुख पूर्वक रहना और अंतिम समय में आसानी में शरीर को छोड़ना है ना, केवल भगवान की भक्ति से ही भगवान की भजन से ही ये जीवन आनंदमय बीतेगा और अंतिम समय में अच्छे तरह से जीवन को शरीर भी छोड़ सकते, इसलिए आज इनकी अभिभावित ये हम सबको आशीर्वाद करें, जैसे उन्होंने गुरु वैष्णव की सेवा की भगवान की भजन की हमारे हृदय में पिछला एक बुद्ध भी हमारे हृदय में भी आए तो हमारे जीवन सार्थक हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे